अभी तो अपना बचपन भूल गया, अब मुझे उसके बचपन को फिर से देखने की इच्छा हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का एक बच्चा हो जिसकी आंखें बिल्कुल तेरे जैसी हो। मेरी जो पूरी करोगी? चलो मैं ये साबित भी कर दूं कि ये बच्चा अभी का है। फिर भी वो लोग मेरे बच्चे को अपनाएंगे नहीं प्रज्ञा, क्योंकि जब तक तुम्हारा नाम अभी के साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरे बच्चे को नाम नहीं मिलेगा। तनु ठीक कह रही, उस घर की बहू मैं हूँ, तो मेरे होते हुए कोई भी तनु के बच्चे को क्यों एक्सेप्ट करेगा? इसके लिए मुझे तनु को अपनी जगह दिलानी होगी। उसके बच्चे को इनका नाम दिलाने के लिए उसकी शादी इनसे करवानी होगी। पर मैं घर वालों से क्या कहूँगी, दादी से, माँ से क्या कहूँगी, उन लोगों को कैसे समझाऊंगी? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए ये खुशी मैं उन्हें कभी नहीं दे पाऊंगी। अब हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, नफरत का। कैसे बोलूंगी कि जो खुशी मैं उन सबको नहीं दे पाई वो तनु दे रही है, और उस खुशी के लिए उन सबको तनु को अपनाना होगा। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ओ पम्मी बस कर दे लेफ्ट राइट मार्च करना, और तेरा वजन काट हो जाना है, फिर तू मुझे कहेगी कि मैं तेरे खाने पे नजर लगाता हूँ। वजन मेरा कम इस चलने से नहीं होगा, टेंशन के मारे हो जाएगा, और उसके लिए भी ना मैं आप ही को सुनाऊंगी ऐसी औलाद देने की। अरे एक है जो जेल में जाके बैठा हुआ है और दूसरे का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इतनी देर हो गई पर आकाश अभी तक नहीं आया। कर लो गल, वो बेटे माँ पे जाएंगे तो फिर ऐसे गुली खिलाएंगे। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं मैं तो कह रहा था कि वो कोई छोटा सा काका थोड़ी है, वो आ जाएगा, अभी कहीं गया होगा, तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे इतनी रात को तो कोई गलत काम में ही फंसेगा वो। ओ नहीं जी नहीं, इस काम में तो बेटे मुझ पे ही गए हैं, कोई गलत आदत नहीं है। देख ना मैं शराब पीता हूँ ना वो पीते हैं, फिर तू क्यों टेंशन ले रही है? वो आ जाना उसने। अरे एक फोन तो कर सकता था वो, जरूर कुछ गड़बड़ है, इतनी देर तो वो कभी नहीं करता। ओ यार जो गड़बड़ वड़बड़ है तू देख, मेरा सर ना खपा तू। मम्मी जी क्या हुआ, बहुत दिनों बाद परेशान लग रही है। मेरा मतलब है वो क्या किया जो आप इतने परेशान हैं? मैं इसलिए परेशान हूँ कि तू मेरी बहू है और है किसी काम की नहीं तू। ये क्या हो रहा है? अरे क्यों गुस्सा उस पर निकाल रही हो? बीजी आपको नहीं पता वो। पता है मेरे को, तू जैसे गुस्सा कर रही है ना, इससे क्या आकाश जल्दी आ जाएगा? तू चिंता मत कर, मैं अभी को बोलती हूँ, वो उसका पता लगाने का। तूने शराब पी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की और शराब पीकर इस घर में आने की? देखा आपने, इसीलिए मैं कह रही थी कि इसकी शादी कर दो वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा, और वही हुआ। अरे जो लड़का कभी नशे को हाथ नहीं लगाता था आज नशे में धुत होकर आया है, तो तूने शराब पी क्यों? हाँ रचना के लिए पीना तूने, रचना की याद पिया मैंने उसके लिए, उसको भुलाने के लिए पी है, उसकी याद को जिंदा रखने के लिए नहीं। और अब स्टॉप, रचना बेबी और शराब बेबी, खत्म माँ, सब खत्म। मेरे रचना के बीच में जो भी था खत्म। आप सैड क्यों, स्माइल करो, आप यही चाहती थी ना? आप जीत गई माँ, मैंने मेरी रचना को भुला दिया, शादी हो गया अब इस घर में। काश मेहरा की बैंड बाजा परात करो आपसे, आपकी मर्जी से होगा, बेटे की खुशी नहीं चाहिए आपको, पैसा चाहिए, लड़की कोई भी हो। क्या इससे करनी है करो शादी, कहाँ जा रहे हैं नालायक? ताऊजी क्या कर रहे हैं आप लोग, कितने राखी है किस हाल में? ताई जी आप नहीं जानती कि जब इंसान को धोखा मिलता है ना तो उस पर क्या बीतती है। आकाश क्या जरूरत है तुझे शराब पीने की? सॉरी भाई, सॉरी भाई, आपको पता है मैं
मैं शराब नहीं पीता भाई, और मैं क्या करता भाई, आई लव हर भाई, आई लव हर। मैं आज उसको मिला आखिरी बार, मैं उससे बोला मुझे माफ कर दे भाई, मैंने उसके हाथ छोड़े, सॉरी बोला मैंने, मैंने कहा मुझे मुझे शादी कर लो, मना कर दिया भाई, उसने मना कर दिया भाई, उसने मना कर दिया। आकाश तूने उसे समझाने की कोशिश की, उसने तेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब तू कुछ और चाहती है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा भाई है तेरे साथ, तुझे जो चाहिए मैं दिलवाऊंगा। बताओ बताओ कि तुम्हारी प्रेगनेंसी लेके मैं जिम्मेदार हूं, ये सुकृति सबके सामने चलाकर बोल रही है कि मैं बाप नहीं बन सकता, अरे तुम तो प्रूफ हो इस बात का। सही बोल रहा है आकाश, यही मेरे बच्चे का होने वाला पिता है। No, she's in a terrible state. आप जो भी मुझे बोलोगे, you know, I'll try to understand. But भाई, you need to clear her confusion. क्या चल रहा है उसके साथ? What do you want? Do you even want her in your life? अगर आपको प्रज्ञा भाभी के साथ रहना है तो it's okay, we will support you. लेकिन at least तनु को तो बता दो ना, उसके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी ना भाई। That's your moral responsibility, भाई. At least उसे clarity तो मिलेगी ना कि क्या सही है क्या नहीं है। आई मीन आई नो वो कुछ दिन रोएगी, लेकिन मैं संभाल लूंगी, सो आई विल मेक हर अंडरस्टैंड। भाई डोंट लुक अवे, टॉक टू मी। अगर आप नहीं उसे बोलना चाहते तो ठीक है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। भाई एटलीस्ट टॉक टू मी, कुछ तो कहो ना मुझे। आलिया मैं क्या बताऊं, तुम जानती हो ना, अगर मैं कोई भी डिसीजन लूंगा मुझे दादी को कन्विंस करना पड़ेगा। वैसे भी मेरा ये रिलेशनशिप से ना सिर्फ मन उठ गया है, मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप, फॉर गॉड्स सेक, लाइक क्या बूढ़े हो गए हो क्या, यू आर सो यंग, आई मीन आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है एंड यू नीड अ लाइफ पार्टनर। आप पूरी लाइफ तो अकेले नहीं बिता सकते ना भाई, प्लीज मुझे बताने की कोशिश तो कीजिए ना भाई। कहीं प्रज्ञा भाभी ने तो आपको कुछ नहीं कहा ना? तनु ने कुछ कहा? ओह गॉड भाई कम ऑन, आप अच्छे से जानते हो कि उसका नेचर कैसा है, जो मुंह में आता है बोल देती है। यू नो शी डजंट मीन दैट, आई मीन आई डोंट नो किसने आपको कहा है क्या कहा है, लेकिन भाई जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। बोलो ना भाई क्या हुआ है, किसने? मैं खुद से परेशान हूं आलिया, मैं लोगों को पहचान नहीं पा रहा, तो बड़ी गलती की मैंने शादी करके। मैं जानता हूं कि मैं तनु के साथ गलत कर रहा हूं, मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, वो जब भी मेरे सामने आती है तो एक ही सवाल करती है, और जिसका जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना। और मैं प्रज्ञा को भी इस घर से नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि दादी मुझे ऐसा करने नहीं देंगी, तो मैं क्या करूं, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है। आलिया आई प्लीज लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, प्लीज सॉरी एक्सक्यूज मी। हालात बद से बदतर हो जाएं उससे पहले मैं तुम्हें शादी के बंधन में बांधना चाहती हूं, भूल जाओ उस रचना को। तूने अपनी तरफ से उससे माफी मांगी, अपना रिश्ता सुधारने की पूरी पूरी कोशिश की, पर वो नहीं मानी ना, मुझे तो लगता है कि उसको तेरी कोई कदर ही नहीं है। तो फिर भूल जाना उसे, वो तेरे लायक ही नहीं, अब शादी जहां मैं कहूंगी करनी पड़ेगी। ठीक है दादी, अब वही होगा जो जो आप चाहेंगे।
तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ भाभी, और खुश होने की तो बात है ना, मेरी शादी जो हो रही है भाभी। अब देखो ना घर वाले नीचे कितने एक्साइटेड है, और फैमिली खुशी है, मेरी खुशी है भाभी। ऑफकोर्स मैं खुश हूँ। मुंह छुपा कर क्यों बैठे? और ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू है भाभी, कुछ आखिरी यादें हैं भाभी जो आंसू बनकर बाहर निकल रहे। इन्हें भी पता चल गया कि अब दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि मेरी शादी जो हो रही है। डोंट वरी भाभी, आई विल। आकाश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो जब तुम किसी और से प्यार करते हो, सिर्फ अपनी नहीं? देखो तुम टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। कब निकालोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब? जब मेरे पास अबॉर्शन के लिए टाइम नहीं होगा तब? कि ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि शायद मैं समझ भी नहीं सकती कि तुम्हें अभी कितनी टेंशन हो रही है, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कुछ करती हूँ ना। देखो तुम्हारे दिमाग में इस वक्त जो चीजें आ रही है ना, प्लीज उन पे ध्यान मत दो। तुम याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था, जैसा तुम सोचे हो वैसा मत सोचो, प्लीज वैसा सोचो जैसा मैं सोच रही हूँ, तुम वैसा सोचो जिससे सबका भला हो। हाँ प्लीज प्लीज टेक केयर। नेचुरल एक्टिंग कर लेती हो तुम? ओ ओ तू एक्टिंग नहीं, तुम सच में मेरे लिए फील करने लग गई। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस वो क्या कहा था मैंने कि मैं तुम्हें अपने लिए फील करूंगा, और जब तुम मेरे लिए फील करने लगोगे उसके बाद आप लिखती हो। अब सोचो कि जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम कैसे फील करोगे, बहुत बुरा लगेगा ना तुम्हें। कॉस्ट्यूम मेरी फैमिली, मेरी शादी किसी और से करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। अब तक जो हुआ जिम्मेदार मैं था, पर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। आप यहाँ? मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी, लेकिन क्या कर रही थी तू? अबे कुछ हो जाता तो? वो दी, डॉक्टर ने रोज वॉक करने को कहा है तो मैं आंख बंद करके वॉक करने के लिए कहा था। नहीं दी, वो मेरा ना ध्यान जरा, मैं एक्चुअली मैं जानती हूँ तेरा ध्यान कहाँ है, क्या सोच रही है तू। वहाँ आकाश शराब पी रहा है और यहाँ तूने अपना ये हाल कर रखा है। आकाश ने शराब पी है? हाँ, इस लड़के ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगा, वो नशे में धुत अपने परिवार के सामने खड़ा था, बर्बाद कर रहा है अपने आप को, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जब कल उसके घर वाले उसकी शादी करवा देंगे। कल आकाश की शादी है? हाँ, लेकिन तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? तू तो यही चाहती थी ना कि वो शादी करके हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाए। देख रच्चो, आकाश वाकई तुझसे माफी मांगना चाहता है। जानती हूं मैं उसने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। फिर तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो तकलीफ उसने मुझे दी है ना,
उसका एहसास उसे भी होना चाहिए। उसे तेरी तकलीफ का एहसास है, इसीलिए तो वो तुझे इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहता है रच्चो। तुझे तेरा हक, तेरे हिस्से की खुशी देना चाहता है वो। रच्चो, खुद को या आकाश को सजा देने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ कि जिंदगी ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मगर तुझे जीने का एक और मौका मिल रहा है तो तू क्यों मुंह फेर रही है? खोई हुई इज्जत अगर वापस मिल रही है तो तू उसे क्यों नहीं मौका दे रही? तो और मैं क्या करूँ दी? किसी की गलती रियलाइज करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ? और क्यों दूं मैं अपने बच्चे को उसका नाम? डॉकी कभी चाहता ही नहीं था कि ये इस दुनिया में आए। ये बच्चा मेरे प्यार की वजह से इस दुनिया में, उसके नहीं। उसके लिए तो कभी प्यार था ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया मुझे। और दी, क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद बदलेगा नहीं? दी, मैं थक गई हूँ ये किस्मत के इशारों पे नाचते नाचते। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को, और अब से मैं उसी रास्ते चलूंगी जहाँ मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई देगी। रज्जो, मंजिल तेरे सामने है, तू इसे देखना नहीं चाहती। तू पीछे मुड़कर अगर बीते हुए कल को देखती रहेगी तो आने वाला कल तुझे कैसे नजर आएगा? देख रज्जो, आकाश की बातों पर नहीं, उसकी आंखों पर विश्वास कर, जिसमें उसका सच्चा प्यार साफ नजर आता है। जब कोई इंसान अकेले में रोता है ना तो उसके आंसू सच्चे होते हैं। पोछ दे उसके आंसू, इससे पहले कि उसका दुनिया पर से विश्वास उठ जाए। उसे इतनी सजा मत दे कि उसका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाए। दी प्लीज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। कल आकाश की शादी है और मैं हमेशा की तरह उसकी लाइफ में कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती। प्लीज दी, मुझे फोर्स मत करो। जो हो नहीं सकता प्लीज वो करने की कोशिश मत करो। चलो, मैं अपने आप को मना भी लूंगी, लेकिन भैया कभी नहीं मानेंगे। दादी, मेरे लिए कोई काम है क्या? दादी, आकाश है कहाँ? कोई जाकर उसे बताएगा कि वो दूल्हा नहीं दूल्हा है? कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है। कूल कूल, आकाश को मैंने भेजा है, वो डिजाइनर शॉप पे अपने कपड़े लेने गया है। वो तो बाहर निकल ही नहीं रहा था, मैंने उसको डांट कर भेजा है। बेटा चल के जरा बाहर का डेकोरेशन देख लो, मुझे तो कुछ कमी लग रही है। हाँ चलिए, वो भी देख ले तो। हाँ ठीक हो गया, मैं अभी बता। तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तू काम करना चाहती है ना? मैं तुझे वेरी इंपॉर्टेंट काम देती हूँ, ज्वेलरी का। तू ऐसे कर, तू ज्वेलर शॉप पे जा और ज्वेलरी लेके आ। नहीं वो, अरे उसको ज्वेलर को मैंने बोला हुआ है, पर वो पता नहीं क्या कुछ लेके आएगा। तू जाएगी ना तो अपनी पसंद का अच्छे से डिजाइन की ज्वेलरी लेके आ, जो तू पसंद करेगी हमारी नई बहू भी पसंद करेगी। हा? जा। अरे स्वर्णी किधर गई? स्वर्णी दीदी, माल है आप। मैं ही नहीं होने दे सकती। आकाश और रचना दोनों बच्चों की तरह सोच रहे, और ये उनकी ही नहीं, उस बेचारी लड़की की जिंदगी का सवाल है जिससे आकाश की शादी होने वाली। मुझे कुछ करना हो। हाँ प्रज्ञा दी। रचना, मुझे तुझसे मिलना है। दी अभी तो नहीं मिल सकती, मुझे भैया के साथ कहीं बाहर जाना था। रच्चो, अगर आज तो मुझसे नहीं मिली ना तो जिंदगी भर अपने फैसले पर पछताती रहेगी। प्लीज मुझे जल्दी मिल। ठीक है देव, कहाँ मिलना है? वो वर्ली वाला माता का मंदिर है ना, वहाँ पहुँच जा जल्दी से, मैं वहीं आ। ठीक है, मैं आती हूँ। भाभी का फोन। हाँ भाभी। आकाश, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत अर्जेंट। तुम प्लीज जल्दी से वर्ली वाले माता के मंदिर आ जाओ, मैं वहीं पहुंच रही हूँ। और देखो, घर पे किसी को मत बता। ठीक है भाभी, मैं पहुंच। तुम दोनों का मिलना संजोग है, और एक दूसरे को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाया।
भाभी आपने बुलाया है पर क्यों? तुम दोनों की शादी करवाने के लिए। अभी इसी वक्त भगवान के सामने। दी शादी अभी, और वो भी आकाश के साथ? दी आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? रच्चो मैं तुझे मजाक करने के लिए यहाँ बुलाऊंगी। भाभी ये पॉसिबल नहीं है। आपको जेन्युइनली आइडिया है कि आप कर क्या रहे हो? आकाश मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो शायद गलत है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को मजाक समझ रखा है। पहले ही तुम दोनों से गलती हो चुकी है, उससे कुछ सीखा नहीं तुम लोगों ने। ईगो में आकर, गुस्से में आकर जिंदगी के फैसले करने जा रहे हो। जिंदगी में लिए गलत फैसले ना आकाश, अंदरूनी चोट की तरह होते हैं जो दुनिया को नजर नहीं आते, लेकिन बहुत तकलीफ देते हैं। You'll regret this forever. दी मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में ही आकाश की शादी है, और उसके बाद हम दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रज। माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, और तुम दोनों अपनी जिद के लिए अपने ही बच्चे की जिंदगी कुर्बान कर रहे हो। आकाश मैं जानती हूँ कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। घर पे तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है रच्चू से शादी करने के लिए। मुझे अपने किए पर अफसोस हो सकता है, लेकिन अपने फैसले पर नहीं है। क्योंकि अगर आज तुम दोनों शादी कर लेते हो तो थोड़े दिन तक घर वाले नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन आकाश, अगर तुमने आज उस लड़की से शादी कर ली ना, तो तुम दोनों जिंदगी भर इस दिन को भूल नहीं पाओगे। मैं चुप नहीं रह पाई। मेरा काम था तुम लोगों को सही रास्ता दिखाना, तुम लोगों को तुम्हारे भविष्य का आईना दिखाना। तुम्हारी जिंदगी है, इसके फैसले करने का हक तुम दोनों को है। अब तुम दोनों डिसाइड करो, तुम दोनों एक दूसरे की यादों के सहारे जीना चाहते हो, या एक दूसरे का सहारा बनकर। I'm sorry, Akash. Please, मुझे माफ कर दो। मैं ये देख ही नहीं पाई कि तुम कितना बदल गए हो। बीते कल को याद करके मैं देख ही नहीं पाई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। I'm so sorry. नहीं रचना, अब रोना नहीं। हमें हमारी गलती रियलाइज हो चुकी है, अब सब ठीक होगा। जैसा भाभी ने कहा है ना, आज ही हमारी शादी होगी, यही होगी इसी वक्त। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी फैमिली घर पे क्या रिएक्शन देगी, क्या बोलेगी, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है तुम्हारी, तुम और ये होने वाला बच्चा ही मेरी फैमिली है। आई लव यू रचना। लेकिन दी, भैया से मैं क्या कहूंगी? तो दूसरों के बारे में मत सोच, तू अपने बारे में सोच। ये जिंदगी तेरी है, इसके बारे में फैसला करने का हक भी तेरा है। मैं मानती हूँ कि तेरे इस फैसले से शायद सुरेश और आंटी जी बहुत नाराज हो जाएं तुझे ना अपनाए, लेकिन जब तू और आकाश एक साथ होंगे ना, तो किसी और रिश्ते की कमी महसूस ही नहीं होगी। और इस रिश्ते के साथ भगवान हो तो उसके खिलाफ कोई और क्या होगा? और अगर लोगों ने तुझे ना भी अपनाया, तो एक बार तुम दोनों को एक साथ खुश देखेंगे ना, तो अपने आप मान जाएंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उदासी। हाँ बेटा। आपने आपकी बहू को देखा है कहीं?
देखा तो है, उसे शादी से ज्यादा फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है। नहीं दासी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बहू प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ, उसे देखेगा ये पर। ओ, ये इश्क भी क्या चीज है ना, इंसान को क्या से क्या बना देता है। बच्चू, अगर हम तुझे पूरा दिन भी नजर ना आए ना, तू पूछेगा भी नहीं, और प्रज्ञा सिर्फ 15 मिनट नजर ना आए तो पूरा घर ढूंढ लेगा तू। अरे दासी, आप लोग मेरे दिल में बसे हैं, आप लोगों को ढूंढने की क्या जरूरत। ओहो, बातें ना बना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तूने किसे दिल में बिठा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है दासी। तो कैसी बात है बेटा, तेरा प्यार तेरी आंखों में झलकता है, एक पल भी नहीं रह सकता ना तू प्रज्ञा के बगैर। दासी, ये कल रात का हैंगओवर है। अरे क्यों सता रही है उसे है? बेटा, प्रज्ञा को मैंने भेजा है ज्वेलरी शॉप पे, तो एक काम कर, आकाश को फोन लगा के उसको बुला, कितनी देर हो गई उसे गए हुए, उसको बोल के लड़की वाले आ चुके हैं, फोन लगा। और तू लड़की वालों को जरा बिजी कर। भाभी, भाई का फोन आ रहा है। तो उनसे बात करो। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, अगर मैंने फोन आंसर किया तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, इससे बेटर है कि मैं फोन आंसर ही नहीं करता। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा, शायद ड्राइव कर रहा होगा या फिर मोबाइल साइलेंट हो रहा होगा, मिस कॉल देखकर खुद फोन कर लेगा। ये सेल्फी क्लिक करने के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है जी? मेरा मतलब ये है, ये जो तुम फोटो खींच रही हो ना अपने ऐसे से, उसके अलावा भी कुछ काम आता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो हमारी मम्मी जी ना बहुत अच्छी सास है, लेकिन ना वो घर के कामों में ना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मुझे सेल्फी क्लिक करना अच्छा लगता है और आपको जोक करना, नाइस जोक है? जोक? हाँ, आई मीन इस घर में जितने लोग हैं उतने नौकर भी हैं, और वैसे भी रॉक स्टार अभी के घर में किसी को काम करने की जरूरत पड़ती होगी, आई डोंट थिंक। दूर के ढोल पर जितना नाचना हो ना नाच लो देवरानी, शादी के बाद पता चलेगा तुम्हें कि घर में कितना काम करना पड़ता है। पर मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम मैं अपनी देवरानी पर हुकुम तो चला सकूंगी। वो तेरी देवरानी के पहले मेरी बहू है, और वो भी बहुत लाडली, तो उस पर तो हुकुम चलाने का तो कभी सोचना भी मत, समझी? जा ना काम कर, बढ़िया ही हुकुम चला। आप लोगों के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। नहीं। अरे बेटा, तुम अकेली सेल्फी ले रही हो, आज हम लोग मिलके लेते हैं। अरे भाई, ये हो क्या रहा है, दुल्हन तैयार बैठी है, दूल्हे का कुछ पता नहीं। दीदी, आपने दूल्हे को बाहर क्यों भेजा, शादी के दिन को दूल्हे को बाहर भेजता है? वो उदास बैठा था, मैंने कहा थोड़ा बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ? क्या हुआ? वो पहले आकाश फोन नहीं उठा रहा था, अब उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं डिजाइनर से बात करता हूँ। भाई क्या वो आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे? अरे क्या आकाश ने बताया कि वो कब तक वापस आएगा? नहीं तो फोन कर लेते हैं उसे। अरे उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, अब तू भी करके देख ले। जी दा, लेट्स गो कॉल द डिजाइनर। दीदी आप बैठ जाओ, टेंशन ना लो, आप बैठो, आओ बैठो। कभी ऐसा हुआ इस घर में कि ड्रामा हुए बिना कोई फंक्शन हो जाए यहाँ? अच्छा है, मैं तो कहती हूँ आकाश आए ना आज तो शादी नहीं होगी, तो इस लाडली बहू की इस मोटी सास के ना सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।